So, आपने JL पहले सुनी थी या मेरे ट्रस्ट पे आपने? मेरा फ्रेंड कैलिफोर्निया में रहता है, उसने JL के 16 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ है अपने सिविक में। Right. उसने मुझे रेकमेंड किया था कि आपने JL ही लगाना है, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया। वेलकम टू माय चैनल ऑटोमोबाइल गुरुजी। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो गाइस, आई वाज नेवर लाइक थॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि आप मेरे को फॉर्च्यूनर पे क्या आप मेरे को रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं, क्या मेरे को फीडबैक आ रहा है Pan India. I was completely shocked because people are calling me to like a different city. अब मैं मुंबई और बैंगलोर ट्रैवल कर रहा हूँ just for Fortuners. Definitely मैं लाइनअप अपना स्टेटस पे डालूंगा, सो आपको पता चल जाएगा when I am traveling to Bangalore and Mumbai for the Fortuner. आज एक और सेटअप था around 250 किलोमीटर्स away from my warehouse, from my location. So आज first of all पहले जानते हैं, पहले सब्सक्राइबर की तरफ चलते हैं, जानते हैं इनका नाम, कहाँ से हैं और क्या आज करा है हमने। तो आज कस्टमर के मुंह से जानते हैं हमने क्या क्या करा है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेम? आधार गोयल। और भाई को हमने स्पेशली दिल्ली से बुलाया आज अम्बाला। और भाई का रिस्पांस, वायरिंग का तरीका, काम करने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ डीलिंग एंड ओरिजिनलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो हमें एकदम एक क्लास मिली है। बहुत बढ़िया, मतलब हमारी सेटिस्फेक्शन जो वायर देख के, प्रोडक्ट देख के, और सुनना तो साउंड सुनना तो लास्ट की बात होती है, साउंड तो सब सुना देते हैं, काम करने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए, तो काम करने का तरीका बहुत फाइन है। बहुत अच्छा लगा भाई को, तभी हमने स्पेशली दिल्ली से बुलाया। राइट। सो गाइज, अगेन वी हैव ट्रैवल्ड 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू दिस लोकेशन। एक बार अब लाइट में जस्टिस नहीं कर पाएगी, इट्स ऑलमोस्ट 6 o'clock इन द इवनिंग। बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है, इट्स अ पर्टिकुलर फार्म हाउस इन अम्बाला। सो बहुत ही अच्छी सर की लोकेशन थी, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी सर की। सो आज पहली चलते हैं आज प्रोडक्ट की तरफ। सो आज हमने कंप्लीट JL ऑडियो का सेटअप लगाया, कंप्लीट, कहीं हमने JL को नहीं छोड़ा। एम्पलीफायर, मोनोज, JL कॉम्बरेंट। सो आपने JL पहले सुनी थी या मेरे ट्रस्ट पे आपने? मेरा फ्रेंड कैलिफोर्निया में रहता है, उसने JL के 16 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ है अपने सिविक में। Right. उसने मुझे रेकमेंड किया था कि आपने JL ही लगाना है, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया JL के लिए। राइट। सो गाइस, अगर आप जूम इन करें तो देख सकते हैं वी हैव इंस्टॉल्ड द टॉप लाइक सेकेंड सीरीज ऑफ द JL ऑडियो C2। मैंने C3 पे भी दिखाया, बट येस, इन अ बजट ऑफ 1 लाख 10, ये पूरा सेटअप 1,10,000 रुपये का हुआ है। तो 1,10,000 में ये इट्स अ परफेक्ट ऑप्शन वेयर वी हैव इंस्टॉल्ड 2 pairs ऑफ C2, a JL ऑडियो एम्पलीफायर, a JL मोनो, Cerwin-Vega मोनो। वी हैव अगेन Cerwin-Vega इज अ पार्ट ऑफ JL ऑडियो, इट्स अ सब ब्रांड ऑफ JL Cerwin-Vega। अलॉन्ग विद दैट वी हैव इंस्टॉल्ड द V3, अगेन अ वेरी डिसेंट सबवूफर। अगर हम जूम करें, so it's a JL audio subwoofer 10 inches, again a very very powerful product। मैंने अपनी ब्रेजा में भी ये लगाया हुआ था, एंड इट्स बीन 2 years। मैं अब बहुत सेटिस्फाइड हूँ। क्या रहा बूफर का रिस्पांस? बहुत अच्छा। हमें मतलब मेरे को ओरिजिनलिटी चाहिए थी कि बहुत ज़्यादा भैम है, लाउड म्यूजिक मेरे को पसंद नहीं है, कि बहुत ज़्यादा बेस हो, तो इट्स सोबर एंड वेरी गुड बेस। सो यूजुअली 3-4 हज़ार रुपये के बूफर भी आ जाते हैं। आज हमने 13,500 रुपये विद इनक्लोजर हमने स्पेंड करा। क्या ये बूफर 13,500 का दे रहा है रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बिकॉज हमें जो बेस, क्वालिटी बेस चाहिए, वो हमें क्वालिटी बेस मिल पा रही है। करेक्ट। अब बात करते हैं एम्पलीफिकेशन। हमने आप डाइसी देखी, सस्ता एम्पलीफायर लगाओ या JL का लगाओ? लग रहा है आप JL का कि कुछ बिल्कुल जो रिस्पॉन्स टाइम होता है उसमें माइक्रो सेकेंड्स का जो डिफरेंस आता है लोकल एम्प के अंदर, वो आप फील कर सकते हो लोकल एम्प में और ब्रांडेड एम्प के अंदर। वही डिफरेंस है बेसिकली, इसमें बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स है। राइट। सो गाइस, ये पूरी हुई है। अब अंदर की तरफ चलते हैं, एक इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ कैसे हमने आज वायरिंग करी है, कैसे हमने एक चीज़ करा। डैम्पिंग भी हुई है, वाइब्रोफिल्टर, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट डैम्पिंग। सो वी आर यूजिंग इट फ्रॉम like 3-4 years, no melting issues, nothing। Again इस गाड़ी में भी टॉप नॉच है, 11 शीटें यूज हुई हैं, इंक्लूडिंग 10 फॉर द डोर्स, 1 फॉर द बूट। अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर दिखाता हूँ इंस्टॉलेशन कैसे, और एक NCS का रिस्पॉन्स दिखाऊंगा कैसा है NCS का। उसके बाद आई विल टेल यू एग्जैक्ट बजट कितना आज पैसा खर्च हुआ है, और क्या ये वर्थ इट है इतना पैसा खर्चना, या एक बेफजूल खर्चा है। So finally guys, we have installed an entire JL audio setup in a very good location। देख सकते हैं, it's a big farmhouse। सो पहले चलते हैं वायरिंग की तरफ। पहले चीज़ें दिखाऊंगा कि हम वायरिंग कैसे करते हैं। सो दिस इज़ अगेन द काइंड ऑफ द स्कॉशे वायरिंग, द टॉप एंड वायरिंग दैट वी हैव यूज। प्रॉपर टाई बेल्ट से हमने करा। दीज आर द फ्यूजेस, प्रॉपर फ्यूज़ लगाए हैं। अलॉन्ग विद दिस इज़ द पावर, हाउ वी ड्रॉ द पावर कॉर्ड्स टू द एम्पलीफायर। ये पूरी अंदर तक जाती हैं। मूविंग टू द एम्पलीफिकेशन, वी हैव यूज द JL ऑडियो JD 400.4। अगेन दी काइंड ऑफ वायरिंग वी डिड आपके सामने है, लाइक कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। मोनो की बात करें, मोनो एम्पलीफायर भी टाई हो रहा है, अभी प्रॉपर वायरिंग हुई है। दिस इज़ अ सर्विन-वेगा 300.4 मोनो एम्पलीफायर। If you talk about the head unit, we are retaining the stock head unit because there is no point for changing anything to the stock head unit. It's a very decent, very powerful head unit. All the four doors are being damped by the vibrofilter gold, like approximately 12 sheets lagi hain, sorry 11 sheets lagi hain, 10 for the doors and 1 for the boot, because again booper dala hai. So we have, these are the equipments that we have used. JL Audio C2, 2 pairs. That is going to be powered on the JL Audio amplifier 400.4, a JL Audio subwoofer, again a very powerful and a very budget friendly subwoofer, and that's a model number V3. Yes, ka enclosure that is pre-tuned by the JL Audio. If we talk about the speaker wiring, guys, we have used the Gerard speaker wiring, again using from last 1 year, very like economical and very good result. So ye pura setup kara hai, ये दिखाना था इंस्टॉलेशन, बिकॉज ये सेटअप हम डे एंड नाइट कर रहे हैं, एंड अगेन द रिजल्ट्स आर फैबुलस। इस मोनो एम्प में एडवांटेज ये है, वी गेट दी बेस कंट्रोलर, सो आई एल ऑल्सो गोइंग टू शो यू हाउ वी हैव इंस्टॉल द पर्टिकुलर बेस कंट्रोलर। सो अभी इंस्टॉल हो रहे हैं, वी आर डिसाइडिंग द पोजीशन, कहाँ ये पोजीशन हम सेट करेंगे। सो एक बार डिसाइड हो जाएगा, देन वी विल लेट यू नो, बट फॉर नाउ यू कैन सी द फिट एंड फिनिश ऑफ द एम्पलीफायर, हाउ वी हैव प्लेस द एम्पलीफायर। अब चलते हैं एक बार एनसीएस पे भी देखेंगे, ये इंस्टॉलेशन थी एनसीएस की तरफ। Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar, wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. कैसे हमने इंस्टॉलेशन करी है, कैसे आज एनसीएस पे आपको रिजल्ट है, आपको बताना कि इज इट अ वर्थ सेटअप और नॉट। अब करते हैं खर्चे की बात, कितना खर्चा हुआ आज? हमने 1,10,000 स्पेंड किया है इसके ऊपर, जिसमें हमारी हाई क्लास डैम्पिंग, हाई क्लास वायरिंग, सारा JL ऑडियो का सेटअप, जिसमें मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बड़ा सेटअप कोई हो सकता है, एंड इट्स मोर देन सफिशिएंट। मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे Q7 वगैरह में जो सेटअप आता है ऑलमोस्ट वैसी फील आ रही है। डेफिनेटली वो एक अलग सेगमेंट है Q7 ऑडियो, बट डेफिनेटली वी ट्राइड आवर बेस्ट, वैसी फील आ रही है मेरे को, कोई इसमें डिफरेंस नहीं फील हो रहा। राइट गाइस, एक और क्वेरी आती है कि मैं C3 लगाऊं C2? यस, इफ यू यही सेम सेटअप रहेगा, इफ यू हैव अ बजट, तो ये approximately under 20,000, that is under 40,000. So if you are ready to spend 40,000 more for the 2 pairs of speaker, yes, definitely same setup रहेगा, वो 1.50 तक आपका setup जाएगा। एम्पलीफिकेशन एवरीथिंग विल बी सेम, जस्ट वी विल अपग्रेड द स्पीकर। सो गाइज, इसी के साथ अगर आपको लगा ये JL ऑडियो का एक सेटअप वर्थ इट था आपको, क्योंकि आप, मैंने स्टैक भी सुनाया आपको एक और अपनी पर्सनल कार में, आपको पहले मैंने स्टैक सुनाया, तो आपको स्टैक भी मैं रेफर करा था कि 50,000 का सेटअप है, तो हम 50,000 का बजट है, वो स्टैक के साथ भी जा सकता है, इट्स अ गुड ऑप्शन। राइट, बट अगर किसी का 1 का बजट है तो डेफिनेटली दे मस्ट गो विद JL। सो गाइस, इसी के साथ आपको मैंने पूरा एक चीज़ बताया, एक चीज़। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी ऑडियो क्वेरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू। बाइंग इट फ्रॉम मी और नॉट इज अ सेकेंडरी थिंग, बट इफ़ यू वांटेड कि क्या किसके साथ जेल अप हो, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो इसी के साथ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑटोमोबाइल गुरुजी, साइनिंग ऑफ।